नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह 8 बजे के लगभग होने वाले हैं और गिफ्ट निफ्टी आपका 100 पॉइंट के करीब ऊपर गैप अप दिखा रहा है, तो मार्केट खुलेगा भाई अच्छा खासा ऊपर। ठीक है, हुआ क्या, कल जो न्यूज़ थी उनकी FOMC मीटिंग के मिनट्स जारी हुए, उसमें उन्होंने बोला कि मार्च में तो आप भूल जाइए कि कोई रेट कट की कोई बात है, जून में कुछ चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, पर कोई इतना कुछ खास वैसे, वो नॉर्मल कमेंट्री थी, बट वो मार्केट को ऊपर जाना है तो उसने, डाउ जोन्स के मार्केट ने ऊपर की तरफ तेजी कर दी। ठीक है, अपने ADR सारे नीचे की तरफ थे, अच्छे खासे नीचे की तरफ थे। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, विप्रो, इन सबके ADR जो है नीचे थे। ठीक है, चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं, तेज बात पे आते हैं। देखिए, सिंपल एंड बिल्कुल प्लेन एंड सरल एंड इजी, 22,125 ये लेवल के नीचे अगर निफ्टी है, ठीक है, तो सेल साइड की पोजीशन में ही रहना है, बी ऑन सेल साइड। 22,125 ये लेवल नहीं ट्रिगर होता, इसके नीचे निफ्टी है, बी ऑन सेल साइड। हाँ, ये हो सकता है कि भाई प्रीमियम ईट करता रहे, मार्केट ही लेना, तो आज की एक्सपायरी को कृपया करके इस्तेमाल मत करिएगा। ठीक है, दिस इज द पॉइंट नंबर वन। निफ्टी 22,125 के ऊपर निकल जाता है भाई, बी ऑन बाय साइड। ठीक है, ऐसा डालिए 22,070 का और बी ऑन बाई साइड, मार्केट न्यू ATH की तरफ आपका टारगेट है, मतलब 22,250 आपका टारगेट है अगर वो उसके ऊपर निकल जाता है। बैंक निफ्टी तो स्ट्रांग है यार, वो तो मतलब 47,000, उसका तो चार्ट का जो स्ट्रक्चर है, चार्ट पे जो पैटर्न है, ठीक है, वो वहाँ से स्ट्रांग ही दिखता है। अगर उसने कल का जो हाई है उसको काट दिया, यकीन मानिए टारगेट 47,900 है। फिर कल का जो हाई है कितना था, 350-360 पता नहीं मेरे को कितना था, अगर वो बैंक निफ्टी ने काट दिया, 47,600 47,900 के आसपास आपको बैंक निफ्टी देखने को मिलेगा अगर काट देता है तो। ठीक है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी वीक है, कल जिस प्रकार से मार्केट की क्लोजिंग हुई थी उस हिसाब से। ठीक है, सेल ट्रिगर हुआ था निफ्टी में, बट उसका SL है 22,125, टच होता है भाई निकल जाइए, कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी, कुछ नहीं करना, उसके ऊपर चल पड़ता है, मैं कहता हूँ गाड़ी घुमा लेना, बी ऑन बाई साइड। 22,125 के ऊपर निकले, रिवर्सल, यू टर्न, बी ऑन बाई साइड। ठीक है, इस प्रकार से आपको मार्केट को अप्रोच करना है। अब देखते हैं क्या रहता है, मार्केट की डायरेक्शन क्या रहती है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि भैया सेलिंग आ जाए, वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे करे और सेलिंग भी आ सकती है, बट सेलिंग आएगी तो फिर मैं सीधा बता रहा हूँ आपको, 125 फिर ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, 125 के ऊपर चला जाएगा तो फिर मार्केट जो है बाय ऑन डिप्स हो जाएगा, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ये कल ही मैंने आप सबको लाइव मार्केट में बता दिया था, तो इन चीज़ों का जो है